हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियो जो है वो लाने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि मैं काम में थोड़ी बिजी थी और हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं थी। तो लेकिन चले, मैं वापस आ गई हूँ वीडियोस के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो हम चिकन की एक रेसिपी बनाएंगे जो कि बनाने में ईजी है, खाने में टेस्ट भी इसका अच्छा है और बिल्कुल सिंपल जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो यूज़ करके हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बॉल जो है वो ले लेंगे। अब हमें चिकन को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जो कर्ड है वो यूज़ करेंगे दही को। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के दही जो है वो इसमें डाल दिया है और ये बिल्कुल खट्टी वाली दही है वो नहीं है। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच के करीब नमक डाला है, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच ही मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर डाली है। साथ में 1/2 चम्मच गर्म मसाला और 1/2 चम्मच ही मैंने इसमें जो करी पाउडर है वो डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पिसी हुई इसमें डाल दी है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अब आप देख लें कि इसका मिक्स हो जाना जो है वो अच्छे से ज़रूरी है। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन है तो कोई 1 किलो के करीब चिकन है और इसमें ड्रम स्टिक्स भी हैं और बाकी के पीसेस भी हैं। अब इन सभी चिकन पीसेस को हमें अच्छे से मैरिनेट करना है और दही आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से दही के साथ कोट हो जाए और इसको फिर मिक्स करने के बाद हम जो है वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 1/2 घंटा रेस्ट के लिए भी रख सकते हैं और ज़्यादा टाइम ना हो तो 15-20 मिनट भी बहुत है और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। लेकिन चिकन को जितनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा। तो देखिए, चिकन यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे और मैंने यहाँ पे इसको 1/2 घंटा के करीब रेस्ट दी है। अब मसाला बनाएंगे, उसके लिए 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, 1 टुकड़ा जिंजर का और 4 से 5 हरी मिर्ची जो है वो भी मैंने ले ली है यहाँ पे। तो चले अब हम अपना जो चॉपर है वो ले लेंगे। अब इसमें इसको हम दरा दरा सा पीस लेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक बारीक भी चॉप कर सकते हैं और चाहे तो जो मोटा मोटा सा दरदरा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। चलिए अब एक पॉट ले लेंगे। अब 2 पिंच हींग इसमें डालेंगे गरम तेल में और तेल जो है वो 3 बड़े चम्मच के करीब मैंने लिया है। साथ में 1/2 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 टुकड़ा जो है वो बे लीफ का मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप चाहें तो खड़े मसाले डाल सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए, अच्छे से हम इसको चटक जाने लेंगे। अब ये अच्छे से चटक गया है तो इस टाइम पे जो मसाला हमने लहसुन प्याज अदरक और हरी मिर्ची का बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और साथ में 1 चम्मच के करीब नमक हमें इसमें डालना है ताकि प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और आप तो जानते ही हैं ना, मैं ऑलवेज जो है नमक वो प्याज के साथ ही डाल देती हूँ। इससे क्या है कि जल्दी से जो प्याज है वो अपना पानी छोड़ देते हैं और मसाला जो है वो जल्दी से ब्राउन हो जाता है और जल्दी रेडी हो जाता है। अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको हम कम से कम 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अब कलर देखिए अच्छा सा चेंज हो गया है और अच्छा ब्राउन कलर के जो प्याज हैं हमारे हो गए हैं। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और साथ में ही नमक जो है वो हमने पहले ही डाल दिया था तो इसलिए सारे मसाले मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। 1/2 चम्मच चिकन मसाला भी मैंने इसमें डाला है। 1 मिनट के लिए बस अच्छे से सोटे कर लेंगे ताकि पाउडर स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी उसी चॉपर में थोड़ा सा पानी मैंने मिक्स करके वो इसमें डाल दिया है। अच्छे से करेंगे मिक्स। अब देखिए जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हमें मसाला जो है अच्छा सा रेडी कर लेना है ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से ऊज आउट हो जाए। अब जो बाकी का बचा हुआ 1/2 कप के करीब पानी था वो भी मैंने डाल दिया है और एक बार फिर से ऑयल के ऊज आउट हो जाने की वेट करेंगे। और उसके बाद जो मैरिनेटेड चिकन था वो मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से अच्छे से पका लेंगे ताकि ऑयल जो है अच्छा सा वो ऊपर रिलीज हो जाए। अब अच्छे से ऑयल देखिए रिलीज हो गया है तो मैंने वही चॉपर में पानी जो है वो अच्छे से घुमा दिया है। मसाले वाला पानी था ये, तो मैंने कोई 1/2 कप के करीब पानी इसमें डाल दिया है और कलर आप चेक कर लें कितना अच्छा लग रहा है ना इसका कलर। अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार
और फिर हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि चिकन जो है हमारा अभी गला नहीं है, हमें इसको अच्छे से गला देना है। तो 10 मिनट बाद चेक करेंगे। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स कि जो ग्रेवी है थोड़ी सी पकने लगी है, तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब पानी जो है वो इसमें और डाला है, और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से कम्प्लीटली पक। फ्रेंड्स यहाँ पे चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है और ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो गई है। तो बस अब हम इसको जो है गार्निश कर लेंगे हरे कटे धनिए के साथ और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ। और देख लें चिकन जो है अच्छे से पक गया है और चिकन ने हड्डी को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो बस इस टाइम पे हम गार्निश करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको हम कम से कम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि सारे जो मसाले हैं उनका अच्छा सा फ्रेग्रेंस और टेस्ट जो है वो चिकन में आ जाए। बस यहाँ पे अब रेडी है और हम इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी के साथ या राइस के साथ। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।